हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग ट्री जूनियर। आज के हिंदी पॉडकास्ट में हम सुनेंगे अन्नपूर्णानंद वर्मा की कहानी अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठेठरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने को भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में समर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। पत्नी बोली, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। झाऊलाल बोले, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? पत्नी ने पूछा। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्योतियों में ही बीत गए और रुपये का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएँ सुना चुके थे। अब जो एक काम पर आ तो चारों खाने चित हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुँह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जाँच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हैकरी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपये ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, लेकिन जरा सा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी होगी? कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो, या कहीं रुपये का प्रबंध वे ना कर सके तो? इसी उधेर बुन में परीलाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वो पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो पति कैसा? फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्हें पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी,
कहना ना होगा कि सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। ये लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़ कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नकसिक से भींगा हुआ है और जो अपने पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। इसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन दो और दो जोड़ कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। वहाँ टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पे आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोष है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहले यह काम किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ के लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? पंडित बिलवासी मिश्र जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरही राह चलते पर लोटे का वार करे। अंग्रेज बोला, मेरे समझ में ही इज अ डेंजरस लुनाटिक। बिलवासी जी ने हाँ में हाँ मिलाया और कहा, नहीं नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वह अपने आंखों से खा चुके होते हैं। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? बिलवासी जी ने कहा, पुलिस में इस मामले का रिपोर्ट कर दीजिए जिसे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। साहब बोले, पुलिस स्टेशन है कहाँ? बिलवासी जी ने उत्तर दिया, पास ही है, चलिए मैं बताऊं। साहब बोले, चलिए। बिलवासी जी ने कहा, अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसका दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? बिलवासी जी ने आश्चर्य से पूछा, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। साहब पूछे, जनाब ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। साहब बोले, यह बात? तब पंडित बिलवासी जी ने कहा, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास उसकी जान निकल रही थी, उसी समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने इस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वो बराबर इसी से वजू करता था। 1957 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वाले को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? बिलवासी जी ने कहा, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। साहब बोले, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। तब पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। साहब बोले, वाह,
आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। पंडित जी ने पूछा, हक है कैसे? साहब ने जवाब दिया, जरूर हक है, ये बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है? मैंने। बिलवासी जी ने कहा, आपने। साहब ने फिर पूछा, वो आपके पैरों पर गिरा या मेरे? बिलवासी जी ने उत्तर दिया, आपके। अंगूठा उसने आपका भुर्ता किया या मेरा? पंडित जी बोले, आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। पंडित जी बोले, ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वो ले जाए। साहब बोले, यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। बिलवासी जी ने कहा, मैं 150 देता हूँ। तब साहब ने कहा, मैं 200 देता हूँ। अजी, मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नेट लाला झौलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया, उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी असाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूच गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींगे सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? बिलवासी जी ने पूछा। मेजर डगलस ये मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी हो रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। विश्वासी जी ने आश्चर्य से पूछा, जहांगीरी अंडा? साहब बोले, हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। बिलवासी जी ने फिर पूछा, पर जहांगीरी अंडा है क्या? तब साहब बोले, आप जानते होंगे कि कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दीरोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हंडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात? विश्वासी जी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ हाँ। तब साहब ने कहा, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुस्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आप लोटा उस अंडे का बाप हुआ, विश्वासी जी ने कहा। साहब ने लाला झौलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झौलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। विश्वासी जी ने उत्तर दिया, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। झौलाल ने पूछा, पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। विश्वासी जी ने बोला, 2 घंटे तक? तब झौलाल बोले, हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, विश्वासी जी ने कहा। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल अपने कार्य समाप्त करके ऊपर देखे, पर विश्वासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट जो कि त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोई।